कोई भी पर्सन है, कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा डरते हैं अपनी लाइफ में कि मेरे साथ कहीं कुछ ये ऐसा गलत ना कर दे या मेरे साथ कुछ ऐसा कुछ गलत ना हो जाए, तो जो एक फियर होता है ना आपके माइंड में, कहीं ना कहीं आप देखते हैं किसी भी सिचुएशन को लेकर आप बार बार उसके बारे में सोचते रहते हो और कहीं ना कहीं वो आपके साथ हो जाता है। लेकिन आप सेम सिचुएशन में अगर भगवान का नाम लेकर चले, भगवान के ऊपर बातें छोड़ देते हैं और भगवान के ऊपर इस लेवल का ट्रस्ट करते हैं कि भगवान मैंने आपको सौंप दिया, मुझे पता है कि अब मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, तो फिर उस विश्वास के साथ आप अपने आप को बैलेंस करते हैं, अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं और फिर साथ अपने कोई काम करने में आप बिज़ी हो जाते हैं नॉर्मल लाइफ में, जैसे जो डेली के रूटीन अपने डेली वर्क होते हैं वो करने में, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि बैलेंस जो सिचुएशन आपने की थी अपने माइंड में, वो ऑटोमेटिकली आपकी जो लाइफ है, लाइफ की जो प्रॉब्लम है, ऑटोमेटिकली बैलेंस कंडीशन में वो आ जाती है, वापस से वो एक अपनी जो पॉजिटिव फॉर्म है उसी को ग्रैब कर लेती है। तो इसलिए हर सिचुएशन को नेगेटिव सोचना ज़रूरी नहीं है। अगर हम भगवान के साथ मिलकर उस सिचुएशन को पॉजिटिव बना सकते हैं, तो आप इतना डरने की जगह आप एक बार कुछ ट्राई करके देखिए। काफ़ी बार क्या होता है कि अगर आप किसी थॉट को माइंड में आप ऐसे सोचते हो, काश मेरी इस पर्सन से बात हो जाए, काश आज मुझे खाने को ये मिल जाए, और आप घर जाते हैं एकदम से कहीं बाहर से आकर, आप घर आकर बैठते हैं, आपको तभी वो खाना बना हुआ मिलता है या मार्केट से कोई ना कोई ले आता है आपके लिए ना। तो इस तरह से अगर आप कुछ सोचते हैं अच्छा, काफ़ी बार आपके साथ सिर्फ बुरा नहीं, अगर आप कुछ अज्यूम करते हैं गुड थिंग इन योर लाइफ और अ गुड पर्सन इन योर लाइफ, तो आप उसको भी अट्रैक्ट करते हैं। तो थोड़ा सा आप ट्राई कीजिए, हर बार ज़रूरी नहीं है नेगेटिव ही हो, कुछ अच्छा ट्राई करेंगे तो अच्छा भी होता है। तो कुछ खाने की चीज़ से लेकर आप एक अपना जो है ट्रायल के रूप पे उसको ट्राई कर सकते हैं। मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है, जैसे मैं कुछ खाने का मन होता, सिर्फ मैंने सोचा हुआ होता है, वो ऑटोमेटिकली या तो घर पर कोई ले आता है या जैसे ही मतलब जैसे तैसे करके मेरे सामने वो चीज़ खाने के लिए अवेलेबल हो जाती है। काफ़ी बार मैं ये सोचती हूँ कि ये पर्सन घर पर ना आए, काफ़ी बार ऐसा मन होता है कि गेस्ट से मिलने का मन नहीं करता तो वो नहीं आ पाते, और काफ़ी बार ऐसा होता है कि इस पर्सन से मिले हुए या इसका मैसेज आए, वो कॉल आए, तो अरसा हो गया है, तो एकदम से उसका मैसेज पॉपअप होता है या कॉल आ जाती है, कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो जाती है। तो जब हम कुछ पॉजिटिव सोचते हैं बिना किसी आउटकम के, बस हमने सोचा कुछ अच्छा और छोड़ दिया, तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट है जो हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चलिए, इसी के बारे में कंटिन्यूसली आप सोच रहे हैं और नेगेटिव सोच रहे हैं, ज़रूरी नहीं आप कुछ पॉजिटिव सोचिए कि आपके पास कुछ पॉजिटिव आउटकम हो जाए और उसको लेट गो कर दीजिए। ट्राई करके देखिए, आप एक छोटे से एग्जांपल मैंने दिया, खाने की किसी चीज़ से ही आप ट्राई कीजिए।